सीन गोदरा इज वन ऑफ द मोस्ट क्यूट। नहीं क्यूट तो नहीं, मोस्ट पावरफुल गोजिला एवर इन हिस्ट्री माना जाता है। सीन गोजिला क्लासिक गोजिला मूवी का एक परफेक्ट रीमेक है, जिसमें एक गोजिला का सबसे पावरफुल इनकार्नेशन को मूवी में दिखाया गया है। और इसी यूनिक मूवी के लिए आज मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो में हम जानेंगे किस वजह से सीन गोजिला मूवी को आज तक की सबसे स्कैरियस्ट और आइकोनिक गोजिला मूवी माना जाता है। तो अगर आप मेरे जैसे ये गोजिला के फैन हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बिग शाउट आउट टू सुब्रत एंड ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जिन्होंने पिछले वीडियो में सवाल का सही जवाब दिया है। तो ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर। लेजेंडरी गोजिला मूवी 1954 के ओरिजिनल क्लासिक मूवी का एक परफेक्ट रीमेक वर्जन रहा है, जिसमें गोजिला के डिस्ट्रक्टिव थीम को रिपीट करने की कोशिश किया गया था। लेकिन पर्टिकुलरली मूवी में डिस्ट्रक्टिव थीम को साइड में रखते हुए गोजिला को आज सेवियर की तरह दिखाया गया है। लेकिन क्या गोजिला का ये नेचर क्लासिक मूवी को अच्छे से रिप्रेजेंट करती है? और अभी लेजेंडरी पिक्चर्स के मास्टर वर्क को फॉलो करते हुए लोग क्लासिक मूवी के पूरे सीक्वल को भी भूल चुके हैं। और सीन गोजिला क्लासिक मूवी का एक प्योर रेफरेंस है। इसे मैं प्योर क्लासिक इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस मूवी में हमें गोजिला की वही डिस्ट्रक्टिव नेचर दिखाया गया है जो हमें पहले मूवी में दिखाया गया था। स्टोरी को सिर्फ पॉलिटिक्स या फिर ह्यूमन साइकोलॉजी से कनेक्ट ना करते हुए एक ऐसी क्रिएचर को डिपिक्ट किया गया है जिसका ह्यूमैनिटी के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, जिसके वजह से हमें सीन गोजिला में गोजिला का ट्रू नेचर देखने को मिलता है जो है डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर। लेजेंडरी गोजिला और सीन गोजिला के ओरिजिन और हिस्ट्री में जमीन आसमान का फर्क है। जहां पर मॉन्स्टर बस में गोजिला एक एंशियंट मॉन्स्टर रहा है, वहीं पर तोहो के सीन गोजिला एक म्यूटेंट ओशन क्रिएचर है जो इंसानों के न्यूक्लियर वेस्ट के वजह से बना है। मूवी के हिस्ट्री और ओरिजिन के साथ साथ हमें गोजिला के फर्स्ट टाइम प्योर इवोल्यूशन भी दिखाया गया है, जिसमें हमें पांच फॉर्म को दिखाया गया था जो है फर्स्ट फॉर्म द टेल वर्जन, सेकंड फॉर्म द क्रॉलिंग वर्जन, थर्ड फॉर्म द वॉकिंग वर्जन और फोर्थ फॉर्म द पावर वर्जन। लास्ट फॉर्म इवोल्व होने से पहले ही गोजिला को रोका जा चुका था, इसलिए हमें फिफ्थ फॉर्म अच्छे से दिखाया नहीं गया है। सीन गोजिला मूवी को डायरेक्ट करने के लिए तोहो ने दो डायरेक्टर को हायर किए थे, वो हिडेकी आनो जो फेमस एनिमे राइटर और प्रोड्यूसर है, जिन्होंने फेमस एनिमे नियोन जेनेसिस को भी क्रिएट किया है। और सिनिजी हिगुची एक वीएफएक्स और स्पेशल इफेक्ट सुपरवाइजर हैं, जिन्होंने अटैक ऑन टाइटन के लाइव एक्शन मूवी को भी डायरेक्ट किया है। दोनों ही फेमस आर्टिस्ट गोजिला के इनकार्नेशन को मूवी में इंट्रोड्यूस किया है। माइरो माहिडा गोजिला के न्यू लुक को डिजाइन किया है, जिसमें तोहो ने गोजिला के फ्रेंचाइज का सबसे यूनिक और क्रीपी कॉन्सेप्ट को फिल्म में इंक्लूड किया है। गोजिला का लोअर स्प्लिटिंग जॉ, फिस जैसे दिखने वाले बड़े बड़े आंखें, बैक से लेकर टेल तक डोर्सल प्लेट्स जो इंडिविजुअली लेजर रे भी छोड़ सकते हैं, और हीट रे छोड़ने वाला गोजिला का लॉन्ग टेल जो सीन गोजिला को फ्रेंचाइज का सबसे क्रीपी और सबसे पावरफुल गोजिला बनाता है। सीन गोजिला के सेल्फ म्यूटेशन इससे अपने आप को टाइम और सिचुएशन के साथ साथ इवॉल्व होने से मदद करता है, जिसके वजह से सीन गोजिला में हर एक इवोल्यूशन के साथ साथ गोजिला और भी ज्यादा पावरफुल बनने लगता है। इसका हर एक बॉडी का सेल अलग होने के बाद इंडिविजुअली अपने आप को इवॉल्व भी कर सकता है और जिंदा भी रह सकता है, जो हमें गोजिला के फिफ्थ फॉर्म में भी देखने को मिल सकता था। सीन गोजिला का डोर्सल प्लेट और टेल बीम, फेज रे रैडर, एंटी फ्लैश डिफेंसिंग मेम्ब्रेन और सुपर एटॉमिक हीट रे जैसे काफी सारे पावर्स हैं, जिसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया जा सकता है। लेकिन इतने सारे पावर्स को इंक्लूड करने का मतलब ये है कि एक क्रिएचर को पूरी तरह से ऑन डिस्ट्रक्टिव बनाना। मूवी के डायरेक्टर हिडेकी आनो सीन गोजिला मूवी को क्लासिक मूवी के इंस्पिरेशन से बनाया है। मूवी का डिस्ट्रक्शन थीम भी क्लासिक गोजिला मूवी के थीम से काफी सिमिलर भी है। तोहो स्टूडियो क्लासिक मूवीज की तरह ही ऑप्टिकल कंपोजिशन का यूज किया है, लेकिन गोजिला को और भी ज्यादा मूवेबल बनाने के लिए वीएफएक्स का भी यूज किया गया है। मूवी में यूज किए गए म्यूजिक और साउंड इफेक्ट को क्लासिक मूवी के हिसाब से बनाया गया है। मूवी के सभी गोजिला रोल को क्लासिक गोजिला मूवी में से कॉपी किया गया है। सीन गोजिला के थर्ड फॉर्म में उसका फर्स्ट रो सबसे पहले गोजिला मूवी यानी कि गोजिला 1954 से यूज किया गया है, और उसका फोर्थ फॉर्म का रो एरर ऑफ मेका गोजिला मूवी से लिया गया है, और गोजिला का फाइनल रोर द रिटर्न ऑफ गोजिला मूवी के साउंड इफेक्ट से लिया गया है। फिल्म के म्यूजिक और साउंड इफेक्ट के लिए लो और डार्क म्यूजिक का यूज किया गया है जो मूवी को और भी ज्यादा क्रिपी और हॉरर बना देते हैं। और जिस तरह से सीन गोजिला के डिस्ट्रक्शन को फिल्म में दिखाया गया है, इस तरह के डार्क टोन हमें पूरे फ्रेंचाइज में ही देखने को नहीं मिले थे। जब यूएस मिलिट्री गोजिला के ऊपर दो मैसिक B-2 बमर के साथ एयर स्ट्राइक करते हैं, तभी गोजिला अपने डेवास्टेटिंग एटॉमिक वीर पावर को अपने डिफेंस के लिए यूज करता है, और ये सीन अभी तक का सबसे पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव गोजिला इनकार्नेशन में से एक माना जाता है। चाहे सीन गोजिला फिल्म इंडिया में उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं
नहीं है, लेकिन ये फिल्म तोहो के सभी फ्रेंचाइज में से एक सक्सेसफुल मूवी रहा है। ये फिल्म 1954 के गोजिला मूवी का एक परफेक्ट रीमेक है, जिसमें गोजिला का एक्चुअल नेचर और एंगर को रिप्रेजेंट किया गया है, जिसे अभी तक के गोजिला मूवी में बिल्कुल ही चेंज किया जा चुका है। इसीलिए सीन गोजिला मूवी एक मास्टरपीस गोजिला मूवी रहा है, और इसी वजह से सीन गोजिला मूवी का रेटिंग 2014 की लेजेंडरी गोजिला मूवी से भी ज्यादा है, और अभी भी मेरे जैसे क्लासिक गोजिला मूवी के फैंस को भी ये मूवी बेस्ट लगता है। तो क्या आपको भी सीन गोजिला मूवी अच्छा लगता है? तो आज के वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन है कि सीन गोजिला का फर्स्ट फॉर्म दिखने में कैसा था, अपना आंसर कमेंट पर जरूर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप मुझे इसे सपोर्ट करना चाहते हो ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूं, उस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर ग्रे कर दीजिए, और वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए घंटा दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर दीजिएगा। सो गोजिला फैंस, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पर किसी और एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी सेफ, बी स्मार्ट एंड कीप वॉचिंग मूवी एक्सप्लेनर YT।